अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड बाय अरीब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जिंगर बर्गर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक ब्रेस्ट चिकन का, उसके बाद हम चिकन के ब्रेस्ट की टेल कट कर लेंगे। तो हमने ब्रेस्ट की टेल कट कर ली है, अब हम ब्रेस्ट को सेंटर में से भी कट कर सकते हैं। तो हमने दोनों ब्रेस्ट को सेंटर में से कट कर लिया है। अगर आपके पास मीट हैमर नहीं है तो आप बेलन से भी चिकन को टेंडराइज कर सकते हैं। तो हमने सारे चिकन के पीस को टेंडराइज कर लिया है, अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक का पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमें इसको मैरिनेट करना है 2 घंटे के लिए। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, हम एक बर्गर स्पेशल सॉस रेडी कर लेते हैं। 1/2 कप मायोनीज चाहिए, उसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप केचप, 1/2 टीस्पून विनेगर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1/2 टीस्पून चिली सॉस। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, हमारी बर्गर सॉस रेडी है। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं हमें। तो पहले हम इसकी ड्राई कोटिंग के लिए सामान रेडी कर लेते हैं। तो ड्राई कोटिंग करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 2 कप मैदा चाहिए हमें, 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ड्राई कोटिंग का मिक्स रेडी है। तो चलिए हम चिकन को कोट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चिकन लेनी है अपनी मैरिनेट हुई भी, उसको ड्राई फ्लावर में कोट करना है अच्छे से। तो हमने कोट कर लिया है उसको अच्छे से, अब हम इसको ठंडे पानी में डिप करके रखेंगे 30 सेकंड के लिए। अब हम इसका एक्सेस वाटर निकाल लेंगे सारा। अब हम इसको दोबारा कोट करेंगे ड्राई फ्लावर में। इसको अच्छे से कोट करना है बिल्कुल। तो हमने इसको अच्छे से कोट कर लिया है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर तेल डाल लें, जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए इसके अंदर कोट हुई हुई चिकन डाल दें।
अब हमें पकाना है इसको एक साइड से 8 मिनट के लिए। तो हमें 8 मिनट हो गए हैं, अब हम चिकन का साइड चेंज करेंगे। तो हमें दूसरे साइड से भी इसको 8 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखें, हमें 8 मिनट हो गए हैं इनको पकाते हुए, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम बर्गर बनाना रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए बर्गर बन्स, ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी बर्गर सॉस। दोनों स्लाइसेस पे लगा लिए हमने बर्गर सॉस। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे लेटस। इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी चिकन। इसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज स्लाइस। अब हम इसके ऊपर इसका बन रख देंगे दूसरा। तो ये रेडी है, हम वैसे ही सारे रेडी कर लेंगे। तो ये रेडी है। अगर आपको हमारे चैनल पर और भी ऐसी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।